हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रुतास पैशन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक टॉय किचन, जो कि मैं अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाने वाली हूँ। आप देख सकते हैं इसका फाइनल लुक कुछ ऐसा आएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड और हम अनबॉक्सिंग करके देखते हैं अंदर किस तरीके से ये क्या क्या चीज़ें इसमें है और क्या क्या इसके फीचर्स हैं। सो टू स्टार्ट विथ, मैं आपको बता दूँ कि ये 42 पीसेस सेट का किचन सेट है। ये कुछ इस तरीके से असेंबल होके दिखेगा और इसमें इसके मैनुअल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये कुछ छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हैं जो इसमें अवेलेबल रहेंगे। इसमें एक स्क्रिबलिंग बोर्ड भी है जिसमें बच्चे जैसे लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ टुडे स्पेशल मेन्यू लिखा हुआ है। तो ये कुछ रियल इफेक्ट देने के लिए बच्चों को इस तरीके का ये किचन सेट आया है आजकल। तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें जो टैप है इसमें रियल वाटर भी आएगा। आप देख सकते हैं फोटो में कैसे दिखा रखा है, वैसे मैं आपको एक डेमो करके भी दिखा दूंगी एक बार ये असेंबल होने के बाद। यहाँ पे असेंबलिंग इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं बहुत क्लियरली, तो हम इजीली इसको असेंबल भी कर पाएंगे। और ये बैटरी से चलता है, इसमें लगते हैं 3 AA बैटरीज इसको ऑपरेट कर सकते हैं। सो लेट्स सी, अभी बॉक्स को ओपन करते हैं सबसे पहले और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या अवेलेबल है। तो यहाँ मैंने सील को कर दिया है ब्रेक। लेट मी जस्ट टेक इट आउट। तो साइड सील को भी हम कर देते हैं ब्रेक। वाओ, ऐसे देखने में तो क्वालिटी काफी अच्छी लग रही है। नाउ लेट्स चेक आउट ऑल द थिंग्स, बाहर निकाल के देखते हैं। तो यहाँ पे उसके छोटे छोटे जो एसेसरीज हैं कह सकते हैं किचन के, वो सब यहाँ पे दिए गए हैं पैकेट्स में। तो ये हमने पैकेट से निकाल दिया है और ये मैं निकाल रही हूँ इसके असेंबली चीज़ें। ये देखिए, ये इसका गैस बर्नर है। क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे। ये उसका टैप वगैरह है, अभी ये सब हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। ये फ्रूट और वेजिटेबल बास्केट कह सकते हैं। ये हैं कुछ ट्रेस जो असेंबल करेंगे हम। ये है चॉकबोर्ड विथ चॉक एंड डस्टर। और ये हैं कुछ और मिसलेनियस आइटम्स असेंबलिंग के लिए। तो मैं ये आपके साथ असेंबल भी करने वाली हूँ। वाओ, और इसमें हमें कुछ स्टिकर्स दिए गए हैं। ये हैं आई गेस कुछ बॉक्सेस बनेंगे। ये दीज आर सम कैरेट कुकीज, स्ट्रॉबेरी कुकीज के ये बॉक्सेस बनेंगे। और साथ ही मिले हैं हमें कुछ स्टिकर्स जो कि हमें अप्लायंसेस वगैरह पे लगाने हैं टू गिव इट अ रियल लुक। सो लेट्स सी, बिना देरी के विल स्टार्ट द असेंबलिंग देन। सो हियर आई क्विकली टेक यू थ्रू द असेंबलिंग प्रोसेस। ये आप केयरफुली नोट करिए कि कहाँ कैसे उसको असेंबल करते हैं। हियर वी हैव टू फिक्स ऑल द क्लिप्स। यहाँ क्लिप्स हैं जो हमें फिक्स करना है दोनों बोर्ड्स पे। Here we'll open up the screw and we'll insert 3 AA batteries to operate the hob. We'll fix the tap in the area provided.
The chalkboard shall be inserted in the space provided. We will now fix the stickers as shown in the box. Now that we are done with the installation part, my daughter will give a brief demo of her arrangements and her pretend play. Hello friends, आज मैं arrange करने वाली हूँ अपना new kitchen. तो चलिए start करते हैं. ये है carrot cookies box. और ये strawberry cookies box. और ये है पेपर और ये मिल्क है. ये सॉस है और ये मस्टर्ड है. ये प्रॉन है, हम इसको फ्रिज में रख सकते हैं. ये चिकन, तो आप देख सकते हैं ये है लेटस, हम इसको फ्रिज में रख देते हैं. और ये कुकुम्बर यहाँ हम रख देते हैं. और ये है पीस, इसको हम बास्केट में रखते हैं. ये है एग और ये है सॉसेजेस, हम इस बास्केट की चीजें रखते हैं. ये देखिए ये है टमाटो. The real tap water is a very good experience for kids. Hi friends, आज मैं बनाऊंगी एक मजेदार खाना अपने new kitchen में, जो बहुत ही सुंदर है, pinkish है. फ्रिज है ऑरेंज, फ्रिज खुलता तो है. यहाँ पर मिल्क भी होता है, पेपर भी, और थोड़ा डालने के लिए सॉस भी यहाँ पर होता है, और ये भी होता है मस्टर्ड सॉस. यस, तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हम पहले पैन के ढक्कन को उतार देते हैं. यहाँ पे मैं बनाना चाहती हूँ उप्स अंडा. हम पहले खाने को वॉश कर देते हैं. चलो अब हम ढक्कन को बंद कर देते हैं. अब चलिए हम ये उतार देते हैं इसके हैंगर से. हम गैस को ऑन कर देते हैं. ढक्कन को फिर से खोलते हैं. और अब मैं एक और काम करूंगी. यहाँ प्लेट निकाल के उसको धोना शुरू करने वाली हूँ. तो चलिए धोना शुरू करते हैं इसको. और अब हमें इसको बंद करना है. तो लीजिए मैंने अपने न्यू किचन से बनाया ऑमलेट. Thank you. Thanks for watching. Bye-bye.
This kitchen set also gives the steam effect to the kid, which is a real experience for them. Have a look. If you like this video, do share it with your family and friends and hit the like button. If you are new to my channel, you can consider subscribing for more such interesting updates. Thanks for watching.